दर्शकों, अगर नौकरी की बात की जाए तो हर किसी की चाहत होती है कि वो नौकरी करे, लेकिन जैसे ही नौकरी करने लग जाते हैं तो उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है और कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होता है कि वो किसी बंदिश में पड़ गए हैं। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ऐसी ही कुछ अजीब नौकरियों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और ये नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए हर कोई तैयार रहता है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की कुछ सबसे मजेदार नौकरियों के बारे में। माना जाता है कि जापान से ज्यादा मेहनती देश कोई नहीं है। वहां पर समय की कितनी कद्र है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जापान की कुछ ऐसी ही नौकरी के बारे में जिन्हें लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बेहद ही अजीब नौकरी के बारे में। ये नौकरी है धक्का देने की। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये नौकरी जापान में दी जाती है। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई धक्का देने वाली कौन सी नौकरी होती है, लेकिन जापान एक काफ़ी व्यस्त देश है और यहाँ के लोगों को मेहनती माना जाता है। और वहीं यहाँ के मेट्रो स्टेशंस पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है और समय बचाने के लिए यहाँ एक अजीब सी नौकरी ऑफर की जाती है। बता दें कि इस नौकरी में लोगों को धक्का देकर मेट्रो में चढ़ाना होता है। जी हाँ, यदि आप किसी को धक्का देते हुए उसको मेट्रो में पहुँचा देते हैं तो आपको धक्का देने के भी पैसे मिलेंगे। वहीं अब दूसरी नौकरी है बेहद ही अजीब। जी हाँ, ऐसे में यदि आप इस नौकरी के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल ये नौकरी है सोने की नौकरी। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि कोई आपको सोने के लिए नौकरी क्यों देगा, लेकिन ऐसा सच में होता है। जी हाँ, कई देशों में इस तरह की नौकरी ऑफर की जाती है जहाँ पर आपको केवल सोना होता है और सच में इस नौकरी के दौरान आपको सोना ही होता है और वैज्ञानिक सोते हुए इंसान पर कई सारे रिसर्च करते हैं। अब तीसरी नौकरी के बारे में आपको बताते हैं। तीसरी नौकरी भी बेहद ही अजीब है। ये नौकरी है आपको मेहमान बनाने की। जी हाँ, इस नौकरी में आपको मेहमान बनने की नौकरी दी जाती है। अब तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि हद ही हो गई, कहीं मेहमान बनकर जाने के लिए भी पैसे मिल सकते हैं क्या? लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि जापान में लोगों के पास ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों की कमी है और इसीलिए यहाँ पर लोगों की खुशी में शामिल होने के लिए ये नौकरी दी जाती है। इसीलिए यहाँ किराए के मेहमान बुलाए जाते हैं। लेकिन अब तो ये ट्रेंड भारत की कुछ जगहों पर भी शुरू हो चुका है। वहीं दर्शकों, अब आपको बताते हैं एक और नौकरी के बारे में। ये नौकरी भी बेहद ही अजीब है, जिसे सुनकर तो खाने वाले इंसान तो बेहद ही खुश हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, ये नौकरी है स्वाद पहचानने की नौकरी। इस तरह की नौकरी में आदमी को अलग अलग चीज़ों को चखना होता है और स्वाद पता लगाना होता है। जी हाँ, इस तरह की नौकरी का प्रयोग कई खाने पीने की चीज़ें बनाने की कंपनी करती है। वहीं अब आपको बताते हैं पांचवी नौकरी के बारे में। एक और अजीब नौकरी है। इस नौकरी में बॉयफ्रेंड किराए पर मिलते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि टोक्यो में कोई लड़की अगर अकेली है और उसे अपने लिए कोई दोस्त चाहिए तो यहाँ उसकी भी सुविधा है। टोक्यो में किराए के बॉयफ्रेंड बनाना भी एक नौकरी है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसी अजीबोगरीब नौकरियां हैं जो यहां पर दी जाती हैं, जिन्हें सुनकर शायद आप भी हैरान रह गए होंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।